अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टेलीप्राइम की इस वीडियो में हम बताएंगे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, इसका क्या उपयोग है, टेलीप्राइम पर ये काम कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो प्रायः हमारी बुक्स में जो इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है और वास्तव में यानी एक्चुअल में हमारी दुकान या गोडाउन में जो स्टॉक होता है उनमें कई स्टॉक आइटम्स तो आपस में मैच होते हैं, कई स्टॉक आइटम्स आपस में मैच नहीं होते। जैसे कि हमारी बुक्स में कीबोर्ड 10 नग है जबकि हमारे शोरूम में एक्चुअल स्टॉक 9 नग ही है। बस स्टॉक आइटम्स के इस डिफरेंस को दूर करने के लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का उपयोग किया जाता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का डिफरेंस आता है तो हमें सीधे फिजिकल स्टॉक वाउचर में इसकी एंट्री नहीं करनी चाहिए। पहले डिफरेंस के कारण ढूंढना चाहिए। आपको समझाने के लिए कुछ कारण हम आगे डिस्कस करेंगे। कारण ढूंढने के बाद उनके सॉल्यूशन का प्रयास करना चाहिए और जब हम उसका समाधान नहीं कर पाए तब इस वाउचर का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए हम डिफरेंस के क्या कारण होते हैं वो देख लेते हैं। कई बार जब हम कोई माल खरीदते हैं और जब वो हमारे यहाँ आता है तो हम बिल में दी गई क्वांटिटी से उसे मिलाकर देखते हैं, पर कई बार गलती से या कहीं भूल से हम उसे ठीक से नहीं मिला पाते और दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हमें बिल प्राप्त हुआ 10 कीबोर्ड का और एक्चुअली हमें 9 या 11 कीबोर्ड प्राप्त हुए और उस समय हमें ये बात ध्यान ही नहीं रही। बिल्कुल इसके विपरीत जब हम माल बेचते हैं तो उसकी डिलीवरी करते समय भी हमसे इस तरह की गलती हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि माल खरीदते समय बिल में एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं और जब हमें माल प्राप्त होता है तो हम उन सभी आइटम्स की टोटल क्वांटिटी चेक करके माल रख लेते हैं जबकि उनमें से कुछ आइटम कम और कुछ ज्यादा होते हैं, पर इस बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे हमें बिल प्राप्त हुआ 10 कीबोर्ड का और 20 माउस का, इनका टोटल है 30। अब जब हमें माल प्राप्त हुआ तो हमने टोटल 30 नग चेक करके रख लिए जबकि वो 9 कीबोर्ड्स और 21 माउस थे और ये बात हमारी जानकारी में नहीं आई। यदि जानकारी में आ जाती तो हम सप्लायर को बोलकर माल बदलवा लेते। इसके ठीक विपरीत जब हम माल बेचते हैं तो उसकी डिलीवरी करते समय भी हमसे इस तरह की गलती हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक से ज्यादा गोडाउन होते हैं और हम अपनी बुक्स में किसी एक गोडाउन में स्टॉक आइटम की एंट्री कर देते हैं और वो स्टॉक आइटम दूसरे गोडाउन में रख देते हैं। अगला कारण है, कई बार ऐसा होता है कि जब माल आता है और उसमें से कुछ माल डैमेज होता है तो हम गाड़ी वाले को उसी समय वो माल वापस कर देते हैं पर अपने रिकॉर्ड में एंट्री करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्मचारियों में से ही कोई कर्मचारी चोरी कर लेता है। इसके बारे में भी हमें तब मालूम पड़ता है जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हम उस कर्मचारी का पता लगाने का प्रयास करते हैं और जब हम पता नहीं लगा पाते कि चोरी किसने की है तब इस वाउचर का उपयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिकल स्टॉक चेक करने वाला व्यक्ति स्टॉक चेक करने में गलती कर देता है।
और यदि हमें ऐसा लगता है तो हमें दोबारा फिजिकल स्टॉक चेक करवाना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि हमारे कर्मचारी पर काम का बोझ ज्यादा होता है या वो आलसी व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो माल तो गोडाउन में रखवा लेता है पर बुक्स में उसकी एंट्री नहीं करता, यानी बिल की पोस्टिंग ही नहीं करता है। इसी तरह के अन्य कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनसे हमारी बुक्स में जो स्टॉक होता है और एक्चुअल में जो स्टॉक होता है उनमें डिफरेंस आ सकता है। इसके लिए व्यवसाय में जरूरी है कि आप अपनी जरूरत अनुसार या मंथली या क्वार्टरली अपनी बुक्स के स्टॉक को और अपने यहाँ उपलब्ध एक्चुअल स्टॉक को आपस में मैच करते रहें, और यदि डिफरेंस आ रहा है तो उसके संभावित कारणों का अध्ययन करें और इस तरह की गलती को दूर करने का प्रयत्न करें। यदि इसके बाद भी गलती हो रही हो तो भौतिक स्टॉक सत्यापन वाउचर यानी फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन वाउचर की सहायता से उसे दूर करें। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे किया जाता है। इसके लिए हमने कंपनी कंप्यूटर हाउस ओपन कर रखी है। इसमें हम कंप्यूटर पार्ट्स का व्यापार करते हैं। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन को समझने के लिए पहले हम अपनी स्टॉक समरी देख लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि हमारे यहाँ कौन से आइटम का कितना स्टॉक है, या हम कह सकते हैं कि हमारी बुक्स में कौन सा आइटम कितने स्टॉक में है। अब हमने अपनी दुकान का जो एक्चुअल स्टॉक है वो चेक किया और उसकी डिटेल्स भी इसके सामने रख देते हैं। ये देखिए, इन दोनों में जो आइटम्स दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से बाकी आइटम्स का स्टॉक तो बराबर है, पर बुक्स में कीबोर्ड्स 10 नग हैं, जबकि हमारे शोरूम में एक्चुअल स्टॉक में ये 9 नग ही हैं। इसी तरह बुक्स में माउस 100 नग हैं, जबकि शोरूम में एक्चुअल स्टॉक में ये 102 नग हैं। हम स्टॉक में ये जो डिफरेंस देख रहे हैं इसे ठीक करना जरूरी है। ठीक करना क्यों जरूरी है इसके भी कुछ कारण आपको बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी बुक्स में स्टॉक देखकर किसी कस्टमर से बड़ा ऑर्डर ले लिया और बिल बना दिया, फिर जब हम डिलीवरी करने लगे तो मालूम पड़ा कि एक्चुअल स्टॉक में तो हमारे पास उतना स्टॉक है ही नहीं जितने का हमने बिल बना दिया है। जैसे कि हमने अपनी बुक्स में स्टॉक देखकर 10 कीबोर्ड्स का ऑर्डर ले लिया और जब डिलीवरी करने गए तो पता चला कि एक्चुअल में हमारे स्टॉक में केवल 6 कीबोर्ड्स ही हैं। ऐसी स्थिति में कस्टमर हमसे नाराज हो जाएगा और उससे हमारे संबंध भी खराब होंगे। कई सरकारी जांच में भी बुक्स के स्टॉक से एक्चुअल स्टॉक मिलाया जाता है और यदि आपके स्टॉक में डिफरेंस पाया जाता है तो कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। जब वर्ष के अंत में हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं तब वहां टैली हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली दे देता है और हम उसे सही मानकर अपनी बुक्स क्लोज कर देते हैं। पर मान लीजिए कि हमारा एक्चुअल स्टॉक कुछ और है और टैली कुछ और बता रहा है, तो हम टैली के क्लोजिंग स्टॉक को सही कैसे मान सकते हैं? और यदि सही मान भी लेते हैं तो ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से गलत होगा। इसलिए जरूरी है कि आप बुक्स क्लोज करने के पहले एक्चुअल स्टॉक से अपनी बुक्स के स्टॉक को मिला लें, उसके बाद ही क्लोजिंग का काम करें। जिन कंपनीज में स्टॉक ऑडिट होता है वहां एक्चुअल यानी फिजिकल स्टॉक को भी वेरीफाई किया जाता है, इसलिए भी एक्चुअल स्टॉक और हमारी बुक्स का स्टॉक दोनों मैच होना जरूरी है। इसी तरह के कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी बुक्स का स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक मैच होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इस डिफरेंस को कैसे ठीक करें। इसके लिए हमें फिजिकल स्टॉक का वाउचर ओपन करना होगा जो कि अभी इनएक्टिव है, तो पहले उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम गो टू पर जाएंगे, यहां से क्रिएट वाउचर पर जाएंगे। अब F10 प्रेस करेंगे, यहां शो इनएक्टिव पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। अब नीचे फिजिकल स्टॉक पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस तरह का मैसेज आएगा। इस मैसेज में लिखा है आपको फिजिकल स्टॉक वाउचर टाइप को एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्या इसे अभी एक्टिवेट कर दें? हम इसे यस कर रहे हैं।
ये देखिए, यस करते ही इन्वेंटरी वाउचर्स के अंतर्गत एक नया वाउचर फिजिकल स्टॉक के नाम से ओपन हो गया है। अभी हम आगे समझने के लिए इसकी जगह पर रिसीट वाउचर ओपन कर रहे हैं। ध्यान दें, यदि कोई दूसरा वाउचर ओपन है तो फिजिकल स्टॉक वाउचर को ओपन करने के लिए या तो यहां जाकर के माउस से क्लिक करें और फिर फिजिकल स्टॉक पर जाकर माउस से क्लिक करें, या फिर इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करें। देखिए, फिजिकल स्टॉक वाउचर ओपन हो गया है। इसमें ऊपर की ओर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन भी लिखा है। यहां हमें वो डेट टाइप करनी होगी जिस दिन हमने स्टॉक वेरीफाई किया है। नेम ऑफ आइटम में हम कीबोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। आइटम सेलेक्ट करते ही यदि आपकी कंपनी में एक से ज्यादा गोडाउन होंगे तो यहाँ स्क्रीन पर इस तरह से गोडाउन लिखा होगा। साथ ही आइटम सेलेक्ट करने पर सभी गोडाउन्स के नाम की लिस्ट भी आ जाएगी। आपको इस लिस्ट में से वो गोडाउन सेलेक्ट करना होगा जिसके स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है। हमारा कोई गोडाउन नहीं है, हमारे पास एक ही व्यावसायिक स्थल है, इसलिए यहाँ न तो इस तरह से गोडाउन लिखा आ रहा है और न ही कोई लिस्ट आएगी। इसी तरह यदि आपकी कंपनी में बैच वाइज डिटेल्स ऑप्शन चालू होगा तो यहाँ आपको उसकी डिटेल्स टाइप करना होगी। हमारी कंपनी में ये ऑप्शन बंद है, इसलिए माउस सीधे क्वांटिटी वाली फील्ड पर आ गया है। ध्यान रखें, अब यहाँ हमें जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो टाइप करना है। ये देखिए, एंटर प्रेस करते ही हम अगली लाइन में आ गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें हम अमाउंट फील्ड पर रुके ही नहीं, क्योंकि हमें इसके अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। यहां हम दूसरा आइटम माउस ले रहे हैं, यहां उसकी एक्चुअल क्वांटिटी टाइप कर रहे हैं। इसी तरह यदि आपके और आइटम्स में डिफरेंस है तो एक एक करके उन्हें भी सिलेक्ट कर लें। अब हम नरेशन में टाइप करेंगे बीइंग स्टॉक वेरीफाइड इन द वाउचर और इस वाउचर को सेव कर लेंगे। हम एस्केप की प्रेस करके वापस स्टॉक समरी पर आ गए हैं। ये देखिए, अब हमारी बुक्स का स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक सेम है। हम कीबोर्ड पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं, यहां जुलाई माह पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमने फिजिकल स्टॉक वाउचर से एक क्वांटिटी कम की थी जो कि यहां दिखाई पड़ रही है। साथ ही पहले यहां 10 आइटम्स की वैल्यू आ रही थी, जिसमें से एक आइटम की वैल्यू अपने आप कम हो गई है और अब 9 की वैल्यू आ रही है। अब हम माउस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पहले 100 नग की वैल्यू आ रही थी, जिसमें दो आइटम की वैल्यू अपने आप बढ़ गई है और अब 102 नग की वैल्यू आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमने स्टॉक में चेंजेस किए हैं, उस हिसाब से वैल्यू भी अपने आप चेंज हो गई है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया टैली और एक्चुअल स्टॉक का मिलान करना और अगर कोई गलती हो तो उसे सुधारना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।